मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अभिनव पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिएगा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ के अंदर जो है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट जो ह्यूमन हेल्थ के अंदर जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी क्या है? मेनली बॉडी के अंदर या स्किन के नीचे जो है एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसको अपन ऑबेसिटी बोलते हैं। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गया, ऑबेसिटी इज दैट कंडीशन, ऑबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन मैक्सिमम फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। यानी ऑबेसिटी वह कंडीशन है जब बॉडी के अंदर मैक्सिमम फैट स्टोर्ड हो जाता है इन द बॉडी एंड विच गिव्स बैड इफेक्ट ऑन बॉडी, जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है बॉडी के ऊपर। यानी ज्यादा फैट जमा हो जाएगा इसकी वजह से बॉडी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं ओबेसिटी। अब देखिए ये ओबेसिटी या मोटापे को मेजर कैसे करेंगे, किसको अपन बोलेंगे ये इसको ओबेसिटी है और इसको ओबेसिटी नहीं है। तो इसके लिए इंडेक्स है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये क्या है, इज अ बॉडी मास रेशियो विद द लेंथ ऑफ बॉडी। यानी बॉडी का जो हाइट, अपनी हाइट और मास का रेशियो होता है ना, ये हाइट के हिसाब से अपना कितना वेट है इस हिसाब से अपन जो है वो ओबेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसको हम BMI बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, मास और हाइट का रेशियो है या लेंथ ऑफ बॉडी का रेशियो होता है, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि नॉर्मल पर्सन किसको बोलेंगे या अंडर ओबेसिटी कंडीशन कब होगी, जब BMI जो है वो 25 kg पर मीटर स्क्वायर हो या इससे कम हो तो ये तो है नॉर्मल या कंट्रोल ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये जो लिमिट है अगर मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर अगर है BMI का अगर आ रहा है तो इस कंडीशन को अपन ओबेसिटी कंडीशन बोलेंगे, क्लियर है। तो आपको 20 नॉर्मल कंडीशन है और 30 केजी पर मीटर स्क्वायर जो है वो ओबेसिटी कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ओबेसिटी इज कनेक्टेड विद मेनी डिजीज। ओबेसिटी यदि मोटापा अगर होगा तो इससे बहुत सारी जो है वो बीमारियां भी होती है, क्या इससे बहुत सारी जो है वो बीमारियां रिलेटेड है। तो ओबेसिटी कनेक्टेड विद मेनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज। मेनली कौन कौन सी डिजीज ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, हार्ट डिजीज हृदय की बीमारियां होती है ना, और शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज वगैरह है ना, और स्लीपिंग डिसऑर्डर सोने के अंदर प्रॉब्लम जो होती है, सोने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नींद ना आना, ये सारी जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में जो तकलीफ होती है ना, तो ये भी जो है वो ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। एंड मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर, देखिएगा ओबेसिटी की वजह से कैंसर जैसी भी बीमारियां भी जो है हो सकती है। अब नेक्स्ट क्या रीजन हो सकते हैं ओबेसिटी के, मोटापे के क्या रीजन है, देखिएगा ओबेसिटी के जो मेनली जो रीजन है, पहला रीजन हमने लिखा टेकिंग मोर कैलोरीज। टेकिंग मोर कैलोरीज का मतलब अपन बहुत ज़्यादा अगर मील लेंगे, खाना लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी वाला अगर खाना खाएंगे जिसका अपन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो कैलोरीज जो है एक्सेस अमाउंट अंदर बॉडी में रहेगी तो जो फैट के फॉर्म स्टोर होगी, तो पहले कंडीशन ये होगी। नेक्स्ट टेकिंग फैट कंटेंट मील, बहुत ज़्यादा फैट वाला ऑयल घी वाला जो है वो खाना और डूइंग नो एक्सरसाइज, बिना कोई एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फैट वाला जो है फूड लेना और कोई फिजिकल और एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से मोटापा हो सकता है या कोई वर्क नहीं करने की वजह से। रेगुलर वन टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल,
एक ही टाइप की लाइफ स्टाइल जो है वो उसकी वजह से मिलती है। जैसे कोई एक काम कर रहा है डेली, जैसे ऑफिस में जाकर बैठ गया, बस वही डेली का जो है घर पे आना बैठना और खाना और बैठे रहना, तो ये वन टाइप की जो लाइफ स्टाइल है इसकी वजह से भी मोटापा होता है। एड टू द चांस ऑफ ऑबेसिटी, ये सारे जो है मेन रीजन है ऑबेसिटी के। इसके अलावा देखिएगा, ये तो थे अपने खाने पीने से रिलेटेड और गुड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। इसके अलावा एक डिसऑर्डर होता है थायराइड का, अपनी थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके अंदर अगर डिसऑर्डर होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जो है वो मोटापा हो सकता है। ठीक है, तो थायराइड के अंदर जो है थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो इसका सेक्रेशन अगर कम होने लगे तो हो सकता है। ठीक है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं ब्लड प्रेशर। सुना है आपने ब्लड प्रेशर कॉमन वर्ड है, तो ब्लड प्रेशर होगा क्या, अपना बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट जो होता है वो पंप करता है और आर्टरीज के अंदर पंप करता है, और आर्टरीज जो है उसको कहाँ तक पहुँचाती है, पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती है। अब इस आर्टरीज की जो वॉल्स होगी उस वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर जो है वो लग रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, यानी जो ब्लड सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसका वजह से जो है वो प्रेशर जनरेट होता है इसके ऊपर वॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जो ब्लड प्रेशर लगता है ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड की वजह से, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल अगर सॉरी ब्लड प्रेशर को अगर इसको जो एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको लिखते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऊपर की तरफ जो अपन लिखते हैं वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे की तरफ जो लिखते हैं वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसको रिप्रेजेंट करने की यूनिट जो है MMSG मिलीमीटर मर्करी। अब देखिए इसको समझना है आपको, एक तो वर्ड है सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या हो गया कि जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होगा, तो उस टाइम जो प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई होगा। ठीक है, यानी हार्ट का जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, उस टाइम जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक के अंदर क्या होगा, वापस हार्ट जो है वो वापस जो है वो रिलैक्स होता है, हार्ट की जो मसल्स होती है वापस रिलैक्स होगी, उस कंडीशन के अंदर जो है वो आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, तो ये होता है ये नॉर्मली जो अगर पर्सन है तो 140/80 जो है ये एवरेज। अब इसके अंदर देखिएगा क्या लिमिट हो सकती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो अगर नॉर्मल अगर ह्यूमन बींग के अंदर है तो सिस्टोलिक की जो लिमिट है वो 90 to 120, 90 से 120 तक अगर है तो नॉर्मल के अंदर कंसिडर किया जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक की लिमिट जो है वो 60 से 80 MMSG है। ठीक है, तो इस लिमिट के अंदर जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, या फिर इसका जो नाम है स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम जो ब्लड प्रेशर को किसने मेजर करा था, वो है स्टेफन एरिस्टन 1733 के अंदर। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को जो डिफाइंड करा था वो करा था कैपलर ने, कब करा था 1983 का। ठीक है, अब देखिए ब्लड प्रेशर अंदर दो कंडीशन है आपकी, एक है लो ब्लड प्रेशर और एक हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इट इज दैट प्रेशर व्हेन द आर्टरीज एंड अदर ब्लड वेसल एक्सिबिट द साइंस ऑफ लो फ्लो ऑफ ब्लड। यदि इसके अंदर क्या होगा, आर्टरीज के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ब्लड का जो फ्लो है वो कम होगा, तो ब्लड का फ्लो अगर कम होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है ब्लड का सप्लाई अगर पूरा प्रॉपर नहीं होगा तो ऑक्सीजन का जो डिमांड है बॉडी को वो पूरा नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी,
इसकी वजह से बॉडी की जो मेन वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन है, आपका लीवर है, किडनी है, तो ये जो है इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये डैमेज हो सकते हैं, इनको नुकसान हो सकता है, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो बहुत सारा नुकसान हो सकता है अपने वाइटल ऑर्गन्स। दूसरा हो गया हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होगा, जो लिमिट से ज्यादा लिमिट दे रखी है इसके अंदर, तो लिमिट से ज्यादा अगर प्रेशर जनरेट हो रहा है वॉल्स के ऊपर तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरीज के ऊपर, एक एंजाइटी, ठीक है, और एंगर, गुस्सा होना, एनवी एंड कंफ्यूजन एंड मेनी टाइम ईटिंग, अपनी जो ईटिंग हैबिट है उसकी वजह से, या बहुत ज्यादा अपन जो है मील के अंदर हम लेते हैं सिर्फ फाइन फ्लोर मैदा से लगी हुई चीजें, शुगर या बहुत ज्यादा मसाले, ऑयल, घी है, अचार, पिकल्स है, स्वीट है, मीट, टी, सिगरेट और एल्कोहल, इन सभी का जो है ज्यादा अमाउंट के अंदर यूज करने से भी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का समस्या हो सकता है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले कुछ ये चीजें जो है वो ज्यादा यूज नहीं करनी है, ठीक है। उनको जो है वो पोटेशियम आयन कंटेनिंग जो है फूड लेना चाहिए, जैसे फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, इसका यूज किया जाना चाहिए, क्लियर है। तो ये चीजें आज आपने समझा है ह्यूमन हेल्थ के अंदर दो टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर समझ लिया है, ऑबेसिटी और ब्लड प्रेशर, क्लियर। तो यही जो है आपका होमवर्क होगा, तो जो है आपको नोट्स के रूप में राइट अप करना है, ओके, थैंक यू।